अस्सलाम वालेकुम। ऑलराउंडर किचन में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है आफरीन और आज मैं बनाने वाली हूँ दाल गोश्त। दाल गोश्त की रेसिपी मैं आप लोगों से शेयर करने वाली हूँ, तो चलो मैं बताती हूँ कि दाल गोश्त कैसे बनाते हैं। चलो आ जाओ। मैं ली हूँ आधा किलो गोश्त, ये इसको मैंने तीन पानी से धो ली हूँ अच्छे से नमक डाल के। इसको धोने के बाद में हम लोग इसको कुकर में डाल के तीन सीटी लेंगे। अब मैं इसमें डालूंगी नमक, एक चम्मच, और इसमें ऐड करेंगे हल्दी एक चम्मच। मैं डालूंगी इसमें एक चम्मच हल्दी और ये एक कप पानी। अब इसको हम लोग ढक्कन लगा देंगे इसका और इसकी तीन सीटी ले लेंगे हम लोग। तो मैं ये करूँगी गैस ऑन। अब हम लोग ये कुकर को इस पे रख देंगे तीन सीटी होने तक। रेडी करके रखी हूँ ये अदरक लहसुन और ये दो मीडियम साइज़ के प्याज और ये 8 से 10 हरी मिर्ची। हरी मिर्ची आप अपने टेस्ट के हिसाब से लीजिए, अगर आपको टेस्ट ज़्यादा चाहिए तो आप 10 लीजिए, कम चाहिए तो 5 लीजिए। और ये एक नींबू और ज़ीरा, नमक अपने टेस्ट के हिसाब से आप डालिए, क्योंकि हम लोग ने गोश्त में भी एक चम्मच नमक डाले हैं, फिर दाल में भी डालेंगे। इसके लिए ये एक चम्मच नमक, ज़ीरा एक चम्मच, एक बड़ा चम्मच हल्दी और ये मैंने कुछ लिए हैं खड़े मसाले, एक दालचीनी, एक बड़ी इलायची, थोड़ी सी दालचीनी, 2-3 डंडी और 6-7 लौंग और 6-7 काली मिरी। और ये लौकी जिसको हम लोग दुधिया बोलते हैं, इसको मैंने छील के पानी में डाल के रख दिया है, ये काली नहीं होगी पानी में डालने से। तो चलो अब हम ये मसाला जो मैंने रेडी की हूँ ये इसको हम लोग मिक्सी में पीस लेंगे। तो ये मैंने ली हूँ मिक्सर की ये छोटी वाटी, इसमें मैं डालूँगी ये सारे अदरक, ये नींबू को साइड में रख देते हैं, सारे अदरक और ये प्याज, ये एक राउंड में शायद नहीं पीस पाएगा, 2 राउंड करना पड़ेगा इसका। तो ये देख सकते हैं आप, और ये जो मैंने ज़ीरा ली थी ये मैं पूरा इसमें डाल दूँगी। और ये गरम मसाला, अब हम लोग इसका पेस्ट बना लेंगे। देख सकते हैं ये हमारा गोश्त हो गया है तैयार। ये गोश्त पूरी तरह से हमारा गल चुका है, इसको आप एक ऐसा फॉग लेके चेक कर सकते हो। अब हम लोग इसको एक बाउल में निकाल लेंगे। अब मैं इसको एक पानी से धो लूँगी, फिर इसमें हम लोग दाल को सीटी लेंगे। अब हम लोग दाल को उबाल लेंगे। ये मैंने मसूर और तुअर की दाल मिक्स करके धो के भिगा के रखी थी। ये एक कटोरी मसूर और तुअर की दाल मिक्स ली थी, ये एक कटोरा, ये देख लो आप लोग। अब इसमें मैं डालूंगी हल्दी एक चम्मच और एक चम्मच नमक। नमक हमारा गोश्त में भी है इसलिए थोड़ा ही नमक डालेंगे। और इसमें मैं डालूंगी एक प्याज ये कटी हुई, अभी इसमें हम डालेंगे एक चम्मच तेल। मैं डालूंगी इसमें एक चम्मच तेल। अब हम इसकी 2 से 3 सीटी ले लेंगे, पहले 2 सीटी लेंगे
और चेक करेंगे, अगर दो सीटी में नहीं हुआ तो एक सीटी और ले लेंगे और गैस ऑन करेंगे। इसमें डालेंगे तेल। तो पहले ये बर्तन को गर्म हो जाने देना क्योंकि इसमें पानी है, तो तेल डालोगे तो इसके छींटे उड़ सकते हैं। ये देखो पानी इसका सूख रहा है। अब डालेंगे हम लोग इसमें तेल। तो तेल अपने हिसाब से लेना, मैं लूंगी 4 चम्मच तेल। क्योंकि वो जो गोश है उसमें भी थोड़ा चिकना है, इसलिए मैं ये 4 चम्मच तेल ली हूँ। आप अपने हिसाब से तेल लेना। अब ये तेल गर्म होएगा, उसके बाद में हम लोग इसमें डालेंगे मसाला जो हम लोग ने पीस के रखे हैं। तो आप तेल गर्म हो गया, अब मैं इसमें डालूंगी 2 से 3 तेज़पत्ता। अब ये तेज़पत्ता इसमें तड़पने लगा है। अब हम लोग इसमें डालेंगे मसाला जो हम लोग ने पीस के रखे थे। और ये 1 चम्मच बड़ा चम्मच हल्दी। और इसको चला लेंगे। ये मसाला भुनता है, जब तक ये मसाले का तेल नहीं छूट जाएगा हम लोग ये मसाले को अच्छे से भून लेंगे। ये दाल भी मेरी हो गई है। थोड़ी थोड़ी अक्खी रहना चाहिए उसमें तो अच्छी लगती है, ज़्यादा भी एकदम पेस्ट नहीं करना है इसको। ये देख सकते हैं दाल भी हमारी गल चुकी है। अब मैं ये दाल भी उसमें ऐड कर दूंगी गोश्त के मसाले में। चला लेंगे अच्छे से। ये देखिए कितना अच्छा कलर आया है दाल गोश्त का। इसमें पानी ये देख सकते हैं आप 1 कप। और ये जो इसमें सारी दाल लगी है इसको हम लोग इसको अच्छे से हिला लेंगे और फिर इसमें डाल देंगे। फिर एक बार हम लोग इसको नमक आप चख के डाल लो ऊपर से अगर आपको डालना है तो। मैंने चखी थी, नमक कम है। अब मैंने ये जो 1 चम्मच रखी थी ये भी मैं नमक डाल दूंगी इसमें। और आपको अगर और थोड़ा पतला चाहिए तो आप इसमें पानी मिला सकते हो। अभी और थोड़ा ठीक हो जाएगा पकने के बाद, तो इसमें हम लोग 1 कप पानी और मिलाएंगे। तो अब हम लोग दूधी जो हमने भिगा के पानी में काट के रखी थी वो सारी दूधी इसमें मैं डाल लूँगी। कुकर तो दाल का ही है, दाल और गोश्त दोनों मैंने इसमें बॉईल की हूँ तो इसलिए कुकर नहीं भी धोएंगे तो चलेगा। तो प्लीज़ कमेंट में ये मत बोलना कि कुकर गंदा है। ये देखिए ये इसका ही पानी है साफ, ये मैं इसमें डाल लूँगी। और इसमें 1 चम्मच हल्दी और नमक डाल के हम लोग इसकी 1 सीटी लेंगे सिर्फ। मैं इसमें डालूँगी 1 नींबू का रस। ये 1 नींबू का रस इसमें हम लोग डाल देंगे और इसको मिला लेंगे। 2 हरी मिर्ची मैंने ऐसे ही ऊपर से डाली है इसमें, अक्खी वो ऑप्शनल है। अगर आपको मिर्ची ऊपर से कट करके डालना है तो आप डाल सकते हो। ये देखो माशाल्लाह। तो यहाँ पे हमारी दूधी भी रेडी हो रही है, 1 सीटी हो जाएगी तो हम लोग इसमें दूधी भी डाल देंगे फिर। गाइस आप देख सकते हैं ये दूधी 1 सीटी में गल गई है। अब ये दूधी हम लोग इसमें डाल देंगे दाल गोश्त में।
ये देखिए, ये देखिए मैंने दूधी भी इसमें डाल दी हूँ और इसको अच्छे से एक बार मिला लेंगे। ये रेडी हो गया है हमारा दाल गोश्त। तो आप एक बार इसका नमक चेक कर लेना, अगर कम लगे तो फिर डाल देना। कटोरी लेंगे, इसमें डालेंगे एक चम्मच तेल, ये देखिए एक चम्मच, और थोड़ा सा ऊपर से और लेंगे, और इसमें डालेंगे एक चम्मच लाल मिर्ची पाउडर, ये देखो, और एकदम थोड़ी सी हल्दी डालेंगे। एकदम थोड़ी सी हल्दी इसका बनाएंगे हम लोग इसको। ये दाल गोश्त की तरी है और साथ में ही मैंने चावल भी यहाँ पर रख दी हूँ पकने के लिए। तो ये ज़ीरा राइस है और ये रहा हमारा दाल गोश्त फाइनली तैयार है। अभी इसके ऊपर हम लोग तरी डालेंगे जो ये यहाँ पर रेडी हो रही है। तो जैसे ही ये पूरी तरह से घुल जाएगी और गर्म हो जाएगी तो ये तरी तैयार हो जाएगी। तो इसके ऊपर हम लोग तरी डालेंगे दाल गोश्त पर। गाइस अब इसमें डालेंगे कोथमीर। जब तक कोथमीर नहीं डालेंगे तो अच्छा ही नहीं लगता मुझे। तो ये कोथमीर हमने डाल दी, इसको गार्निश कर दिए। आप देख सकते हैं कितना यम बना है ये। तो आप भी ट्राई करना ज़रूर और मुझे कमेंट करके बताना कैसी लगी आपको मेरी दाल गोश्त की रेसिपी। तो अल्लाह हाफिज़, दुआओं में याद रखना। ये मेरी तरी तैयार है, अभी मैं इसके ऊपर डाल दूंगी ये तरी को। आप तरी नहीं, अगर आपको पसंद है तो आप उसको नहीं डाल सकते हो, कोई ज़बरदस्ती नहीं है, पर मैं ऊपर से तरी डालती हूँ तो ये अच्छी फिनिशिंग आती है इसकी। तो आप ये देख सकते हैं मेरा दाल गोश्त तैयार हो गया है। तो अब हम करेंगे वीडियो को एंड। और अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी तो ज़रूर कमेंट करके बताना और लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना।